नमस्कार दोस्तों। अचानक पत्नी हैवान बन गई और अपने ही पति का प्राइवेट पार्ट काट डाला और पति तड़पता रहा और पत्नी खड़ी होकर तमाशा देखती रही। साथियों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाले सूरज की मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सूरज का उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला सूरज का रिश्ता बिहार में किया गया था और लड़की का नाम झांसी था और झांसी की शादी 2 महीने पहले हो गई थी। वो अपने ज़्यादातर अपने रूम में रहती थी और मैं आपको बता दूं कि जैसे शादी होने वाली थी तो सूरज के घर वालों के काफ़ी अरमान थे, सपने थे कि हमारे घर में बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी। लेकिन बड़ी धूमधाम से सूरज की शादी की गई, बिहार में बारात गई, बड़ी खातिरदारी की गई और धूमधाम से शादी होने के बाद, सूरज की शादी होने के बाद झांसी 2 महीने से लगातार रूम में अकेली रहती थी, रूम से बाहर कम निकला करती थी और घरवालों से कम बात किया करती थी। एक दिन अचानक सूरज को शक हुआ कि मेरी पत्नी झांसी किसी से बात करती है, तो उन्होंने पता करने की कोशिश की और धीरे धीरे उनको पता लगने लगा कि उनकी पत्नी झांसी किसी से चैट करती है, रात को बातें भी करती है धीरे धीरे। तो सूरज आग बबूला हो गया और झांसी को कहने लगा कि आप किस से बात करते हो। तो झांसी को इतनी बात नागवार गुजरी और झांसी ने सूरज के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद अपना सामान पैक किया और कह दिया कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बात ज़्यादा बिगड़ी और अगले दिन ही झांसी अपने मायके चली गई। एक हफ्ते का समय गुजर गया, फिर झांसी के माता पिता का सूरज के पास फोन आता है और कहा जाता है कि हमने अपनी बेटी को समझा दिया है, आप आइए और झांसी को ले जाइए। तो सूरज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बिहार चला गया और अपनी पत्नी को लेने के लिए चला गया। वो वहाँ जाकर झांसी से बात की तो झांसी वहाँ भी उसके साथ बात करने की इच्छुक नहीं थी और बार बार लड़ाई कर रही थी। ऐसा लगता था कि झांसी सूरज के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, संबंध तोड़ना चाहती थी। तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। फिर उसी दिन झांसी के घर सूरज अलग रूम में सो रहा था और झांसी अलग रूम में सो रही थी। रात को करीबन 1 बजे झांसी सूरज के रूम में गई और ब्लेड से सूरज का प्राइवेट पार्ट काट डाला। यह घटना, सूरज तड़प रहा था, यह घटना देखकर सूरज तड़पने लगा, रोने लगा, खून से लथपथ वहाँ गिर गया और उसकी पत्नी झांसी वहाँ खड़ी देखती रही। फिर आस पड़ोस में सभी लोग इकट्ठे हो गए और सुबह होते ही सूरज के घर वालों को इस बात का पता लगा तो वो काफ़ी आग बबूला हो गए। और अब फिलहाल की कंडीशन ये है कि सूरज अब हॉस्पिटल में एडमिट है। साथियों, आपकी इस वीडियो में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।